मुरादाबाद के कपूर कंपनी स्थित प्राचीन सिद्धपीठ श्री होलिका देवी महारानी मंदिर में मेला हुआ शुरू। मंगलवार को भारी संख्या में पहुंचे भक्तों ने माता के दर्शन किया और अपने शहर और देश के लिए प्रार्थना की। बताया जाता है कि कई वर्षों से होली के दूसरे दिन यहां पर मेला आयोजित किया जाता है, जहां पर मुरादाबाद और मुरादाबाद के आसपास के लोग यहां पहुंचकर माता के दर्शन करते हैं। मंदिर समिति द्वारा भक्तों के लिए कई व्यवस्थाएं भी की जाती हैं, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ये बसौड़ा मेला कहलाता है। होली के बाद जो शहर में कितनी होली जलती है पूरे देश में, आप देखिए उसकी जो गर्मी होती, ताप होता है, उसको दूर करने के लिए शीतला माता को जल चढ़ाया जाता है, ताकि वो उनकी गर्मी शांत हो। पब्लिक है, जनता है, उसमें बीमारियां फैल जाती हैं, वो ना फैलें, ठंडक रहे, वो प्रसाद चढ़ता है। वो बसौड़े के मेले में घर से बासी भोजन लेकर ला करके यहाँ चढ़ाते हैं, माता को अर्पण करते हैं, उसके बाद फिर यहीं प्रांगण में बैठ के खुद स्वयं ग्रहण करते हैं। कब से लेके कब तक रहता है आपका ये मेला? होली के अगले दिन से शुरू हो जाता है और अमावस्या तक चलता है। क्या क्या व्यवस्थाएं आपने यहाँ करा रखी हैं भक्तों? और यह सारी व्यवस्थाएं हैं। आप एक महीने सुने कि कोरोना का जैसे प्रकोप चल रहा है, तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? कोरोना वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सुरक्षा तो करनी चाहिए, अपनी अपने बच्चों के लिए सुरक्षा तो रखना चाहिए। सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक मंदिर प्रांगण खुला रहता है। ये मेला 30 मार्च से शुरू होकर 12 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसमें सभी भक्त प्रतिदिन पहुंचकर माता के दर्शन करेंगे। ये श्री होलिका माता महारानी मंदिर है, और इसमें होली के अगले दिन से बसौड़ा मेला शुरू हो जाता है, ताकि जो गर्मी का ताप है उसे शांत करने के लिए यहाँ पे शीतला माता का दर्शन करें, जल चलाएं और गर्मी का प्रकोप शांत हो। मंदिर भक्तों की सहूलियत के लिए सुबह 6 बजे रात के 10 बजे तक खुलता है। भक्त आराम से आएँ, प्रसाद चढ़ाएँ। कोविड-19 का पूरा पालन कराया जा रहा है, मास्क, सैनिटाइज, यहाँ पर व्यवस्था पूरी है।